सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और इस बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू प्रिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। 11 दुल्हों को इसने लगाया करोड़ों का चुना, इस लिटरेरी दुल्हन का बेहद सैतराना है तरीका। आज तक आपने बहुत सी ऐसी बॉलीवुड फिल्में देखी होंगी जिसमें एक से ज्यादा लड़कों से शादी करके उन्हें लाखों का चुना लगा चुकी लुटेरी दुल्हनों के बारे में जरूर देखा होगा। अगर आपको याद ना हो तो आपको ताजा उदाहरण के तौर पर सोनम कपूर और राजकुमार राव की फिल्म डॉली की डोली तो जरूर याद होगी, जिसमें सोनम कपूर कई बार अलग अलग लड़कों से शादी करने के बाद उन्हें सुहाग रात की रात को ही लुट कर भाग जाया करती थी। यह तो बस एक फिल्म थी, लेकिन अब जरा सोचिए अगर कोई ऐसी हरकत रियल लाइफ में करे तो आप क्या कहेंगे। जी हाँ, अभी बीते दिनों ही पुलिस के पास एक लुटेरी दुल्हन की रिपोर्ट आई है जिसने आज तक करीब 11 लड़कों से शादी करके उन्हें लूट चुकी है। आज हम आपको उसी लुटेरी दुल्हन के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अब तक 11 दुल्हनों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें कंगाल कर चुकी है। लुटेरी दुल्हन के इस वारदात की घटना हरिद्वार के सिविल लाइन्स के पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई है। यहाँ के SP ने मीडिया को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि बीते दिनों हरिद्वार में संजय नाम के एक लड़के की हेड पूजा नाम की लड़की से हुई, लेकिन शादी के बाद ही रात को लड़की सभी घर वालों को चकमा देकर तमाम पैसे और जेवरात लेकर घर से भाग गई। इसके बाद संजय ने घर वालों ने पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। संजय के घर वालों की माने तो पूजा के साथ उसके और भी 4 साथी हैं जो पूजा का रिश्ता लेकर उनके घर आए थे और उन्हें यह भी कहा था कि लड़की गरीब परिवार से है इसलिए उसे कुछ पैसे भी दे दे जिससे लड़की के घर वाले शादी की सारी तैयारियां कर सके। आपको बता दें कि संजय के घर वालों ने पहले ही पूजा के नकली परिवार को 50,000 रुपये शादी की तैयारियों के लिए दे दिए थे और इसके बाद उसे गहने के रूप में बहुत कुछ दिया था। पूजा पैसे लेकर भागी ही साथ ही साथ शादी के सभी गहने लेकर भी फरार हो गई। पुलिस ने जब इस मामले की छानबीन की तो उन्हें पता चला कि असल में संजय की शादी जिस पूजा नाम की लड़की से हुई थी वो एक गैंग की सदस्य है जो कि शरीफ लड़कों को फंसाकर पहले उनसे शादी करवाते हैं और बाद में उन्हें लूटकर भाग जाते हैं। पूजा नाम की यह लुटेरी दुल्हन अब तक ऐसे 11 दुल्हनों को लूट चुकी है। उसके टीम ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश समेत दिल्ली तक के कुछ इलाकों में भी ये नकली शादी का प्रपंच रचकर लड़कों को बेवकूफ बनाया है। पुलिस ने बताया कि लड़की के साथ साथ इस गैंग में और भी 4 लोग शामिल हैं जो वैसे लड़कों की तलाश करते हैं जो कि शादी करने के लिए जल्दी में होते हैं, फिर उन्हें फंसा कर वे लोग ऐसे लड़कों की शादी पूजा से करवा देते हैं और फिर शादी के बाद घर से पैसे समेत सभी गहने लेकर फरार हो जाते हैं। फिलहाल राहत की बात यह है कि पुलिस ने इस गैंग को गिरफ्तार कर लिया है और इन पर कोर्ट में मुकदमा चल रहा है।